स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। संध्या कितनी खुश नसीब तो उसको आप जैसी सास में जो अपनी बहू की शिक्षा के लिए हर कोशिश कर रही है। वरना हमने तो सासों को अपनी बहू के सपने सिर्फ तोड़ते हुए ही देखा है। भाईजी 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 दो मिनट, गेट खोलिए जरा। वो कहना कि मेरी पत्नी जी को भी अंदर परीक्षा देने जाना है। हाँ भाई साहब, अगर आपकी पत्नी को परीक्षा देनी थी तो उनको टाइम पे लेके आए होते। टाइम देख रहे हैं आप, 7:02 हो गए हैं, दूसरी घंटी भी बज चुकी है। अब भाई साहब, ना तो कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। नहीं नहीं भाई साहब, अय्या मना बोलो। भाई साहब ऐसा मत कीजिए, दो मिनट की देरी के लिए मेरी पत्नी का पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। थोड़ी सी इंसानियत दिखाइए ना, ये गेट खोल दीजिए। भाई साहब, अगर आपकी पत्नी अंदर नहीं गई ना तो इनका तो एक ही साल खराब होगा, और अगर कहीं मैंने इन्हें अंदर जाने दिया तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी। देखिए भाई साहब, हमारे को माफ करो, मैं नियम नहीं तोड़ सकता। भाई भाई जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ू, मारी संध्या बिंदनी का भविष्य बर्बाद ना करो। बहुत होशियार है, बहुत मेहनत की है इसने, आप सब लोगों का नाम ही ऊंचा करेगी। आपने बताना है पिछले साल पूरे राजस्थान में तीसरे नंबर पर आई है हमारी बिंदनी। दो मिनट के लिए इसका भविष्य बर्बाद ना करो। आप चाहो तो कोई और सजा दे दो। अगर आप कहोगे ना तो मैं कल परीक्षा के लिए 10 मिनट पहले लेकर आऊंगी, 10 मिनट पहले लाकर खड़ा कर दूंगी अड्डे पर। आज आज थोड़ी मदद कर दो हमारी। देखिए माँ जी, हम कुछ कर सकते ना तो जरूर करते, पर हमारे हाथ में कुछ नहीं है। देखिए माँ जी, परीक्षा कब की शुरू हो चुकी है, कम से कम आज की परीक्षा में आपकी बहू नहीं बैठ सकती। नहीं, नहीं, देखो, आप लोग जाइए यहाँ से, मारे को मारी ड्यूटी करने दीजिए भाई। भाई साहब मेरी बात सुनिए, वो कहना कि मेरी पत्नी पढ़ाई में बहुत होशियार है, इसलिए इनका परीक्षा में बैठना बहुत जरूरी है। आपको पता है पूरे पुष्कर का नाम रोशन करने वाली है, इसलिए इसलिए भाई साहब दिए, मैं मास्टर जी से बात कर लूंगा। आप खुलिए ना दरवाजा। नहीं नहीं भाई साहब, कुछ नहीं हो सकता। अरे मेरी बात तो सुनिए भाई साहब। रुकिए, दरवाजा खोलो। सिर्फ 2 मिनट की देरी की वजह से तुम क्या किसी का पूरा साल बर्बाद करोगे? संध्या, ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी सास ने मुझे बुला लिया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साल बर्बाद नहीं होने दूंगी, और ये गेट खुलवाने के लिए चाहे मुझे प्रिंसिपल से ही क्यों ना बात करनी पड़े, मैं बात करूंगी। ना ना मैडम जी, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने बोल दिया तो गेट तो खुल ही जाएगा। खोलता हूँ ना, मैं खोलता हूँ। संध्या कितनी खुश नसीब तो उसको आप जैसी सास में जो अपनी बहू की शिक्षा के लिए हर कोशिश कर रही है। वरना हमने तो सासों को अपनी बहू के सपने सिर्फ तोड़ते हुए ही देखा है। संध्या जैसी होनहार लड़की के लिए हम ये नियम तो तोड़ ही सकते हैं। संध्या तुम जल्दी जाओ, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। जा संध्या बिंदनी, जल्दी जा, ठाकुर जी थारे माथे पर हाथ रखे अपना, खुश रहे। जा बिंदनी।
आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैं चलती हूँ। जी जोरा गई ना। May I come in, sir? भाभी, मुझको लगा था कि आप परीक्षा में पहुंच ही नहीं पाओगे। मैं आज यहाँ पहुंच पाई तो सिर्फ भावों की वजह से। थैंक यू। बाबू तू परेशान ना हो, चिंता ना कर। अभी संध्या संध्या परीक्षा में बैठ चुकी है। वो आज इस चीज का सारा श्रेय तुझे जाता है। अगर आज तू वो डीएसपी साहब की पत्नी जी को ना लाती ना तो शायद कुछ अनर्थ हो जाता, पूरा साल बर्बाद हो जाता संध्या का। साल तो साल शायद वो सपना भी। मेरे और अभिनव के प्यार की आखिरी निशा, एक दिन माँ की तरह वकील बनूंगी। मैडम जी, सिग्नल पे फोन पे बात करना गैर कानूनी है। सॉरी सर, कॉल रिसीव नहीं कट ही कर रही थी। वैसे आपने हेलमेट नहीं पहना। कल के दिन तू वकील बनेगी तो कोर्ट में जाके ऐसी दलील करेगी? हाँ सच ही तो बोला मैंने, इसमें क्या गलत कहा? हे भगवान, ये ऐसी ही बोली है। कभी कभी सोचती हूँ आगे जाकर अभीरा अपने रिश्तों को कैसे निभाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। देखिए माँ जी, आप लोग नीचे इंतजार कीजिए। पर बाबू, बाबू मैं सोच रहा था कि छवि और संध्या को मैं ले आऊंगा तो घर क्यों नहीं चली जाती? घर में ढेर सारे मेहमान हैं। मेहमान आने मीना संभाल लेगी। बाबू आप हुक्म दो मैं जान। हेलो बाबू आप हुकुम दे और मैं ब्याह की घोड़ी की तरह नाचने लग जाऊंगी। कोई इज्जत ही नहीं रह गई हमारे घर में। अरे मैं बहू हूँ इस घर की, मैं नौकरानी थोड़े ना हूँ। अरे क्या हो गया हमारी नैन प्यारी, सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही हो? आपकी मातेश्वरी का फोन आया था, खालिद से ही फोन कर दिया दंदन आते हुए कि सारे मेहमानों को नाश्ता करा देना। ऐसे लगे है कि भाभो को मारे पे तो दया आती ही नहीं है। मैं पूछती हूँ कि क्या जरूरत थी भाभो को जिठानी जी को कॉलेज ले जाके परीक्षा दिलाने की? अगर वो परीक्षा ना देने जाती तो कौन सी धरती माँ श्लोक विलाप में घूमना बंद कर देती, आप बताओ हमारे को? रे भाई खुद ही दिमाग लगा, सोच रे, अगर भाभी घर में भी होती तो कौन से झंडे गाड़ लेती? ये भी पढ़ाई में तो होशियार है ना, बस वो तो क्या हो गया? पर तू तो रसोई की रानी है, रानी उसमें तो थारे से ऊपर कोई नहीं है ना। अब तू खुद ही सोच कि थारे हाथ का बना नाश्ता सारे मेहमान खाएंगे तो उसमें बड़ाई किसकी होगी?
मारी है? समझ रही है तू? अच्छा एक बात बता दूं मैं, ये तारीफ जो की है ना किसी और दिन करते तो अच्छी भी लगती, नहीं अभी तुम्हारे को जहर लग रही है। मैं बता देती हूँ, मैं तो कोई काम नहीं करूंगी, ऐसे अनाड़ी बनना भी ठीक होता है कभी कभी। अरे इस घर में तीन तीन बहुएं हैं कि तीन तीन बहुओं से याद है कि अब तुम मैं भी चिठानी बन गई हूँ, तुम तुम्हारी लाडली देवरानी भी तो है, उसको सारा काम दे देती हूँ, मुझे तो आराम करना है। अरे तो भावली हो गई, अरे दुल्हन है अभी नहीं नवेली, ऊपर से है वो ईसाई, घर का कुछ पता नहीं, क्या करना है कैसे करना है कैसे नहीं करना, थारे को तो सब कुछ पता है, तो चुपचाप प्यार से नाम निकालना। अच्छा वो जिठानी जी दूसरे माहौल से आई थी, वो देवरानी है दूसरे धर्म से आई है, और मीनाक्षी, मीनाक्षी कहाँ से आई है? वो तो नौकर खानदान से आई है ना, गधे की तरफ उसे काम करवाते रहो, देखो जी मैं बिल्कुल काम ना करूंगी। रोले जी भर के रोले, अच्छे से रोले, ठीक है, मतलब थारे यहाँ से सूख जाए तो रसोई में जाना, बढ़िया बढ़िया चाय बनाना, और अदरक थोड़ी ज्यादा क्योंकि ना हमारे गले में थोड़ी सी खराश है, और नाश्ते में ना बढ़िया खस्ता पापड़ी बनाना, क्योंकि जब तू खस्ता पापड़ी बनाती है तो हमारे अंदर ऐसे ऐसे घुल जाती है। मैं कमरे में ही हूँ, जल्दी बना दे, ठीक है। परीक्षा कैसी रही? पर्चा तो ठीक से हुआ ना? पास हो जाएगी ना? हाँ बाबो, पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है, उल्टा मेरी उम्मीद से भी बढ़कर हुआ है। ये सब ठाकुर जी की कृपा है। नहीं बाबो, ठाकुर जी की कृपा से ज्यादा आपकी कृपा रही है मुझ पर। वरना मैं तो ये पेपर दे ही नहीं पाती और मेरा साल भी खराब हो जाता। और भाई सराज थे फरमाओ, थारी परीक्षा कहिया हुई? पर चाचे से किया है ना? बहू से फुर्सत मिल गई तो बेटी की याद आ गई, अब पूछा है तो बताई देती, मेरा पर्चा भी बहुत अच्छा हुआ है, इस बार तो पास हो ही जाऊंगी। डर तो कल के पेपर का है, इकोनॉमिक्स। मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है। हाँ अब चक्कर खा, पूरे साल थपड़ चपड़ करती रही, अब डरबा से के फायदा? रे आज का पूरा दिन पड़ा है, रात पड़ी है, रे पढ़ाई करने वाला तो थोड़ा भी पढ़े है ना तो चमत्कार दिखा दे रहे। आज के दिन कुंभकर्ण की नींद का लाला छोड़ दे, समझी? क्या अब मतलब दिन में पढ़ाई करूं और रात में भी पढ़ाई करूं ताकि एग्जाम के टाइम पे भाभी की तरह सो जाऊं? नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा ये सब, मुझे एग्जाम देना है और वो भी बिना सोए। पता नहीं बाबू मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई, पर ना मुझे तो जागने की बहुत आदत सी है, पहले भी मैं पेपरों में रात रात भर जागी हूँ, मगर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अब अठे बैठकर भजन करना है के? चलो घर आ चलो, मेहमान आने जाने की तैयारी करनी है।
आजा। चलो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।